राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किसी अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति मुंडी की हरकत जैसा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि मौजूदा नोट को या तो बैंक खाते में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। पवार ने पूरी में कहा कि यह एक मुंडी व्यक्ति के फैसले जैसा है। मुझे 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद पूरे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसी संस्थाओं को नुकसान हुआ है क्योंकि उनके पास मौजूदा कई करोड़ रुपए बदले नहीं जा सके। पवार ने दावा किया कि कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको क्या लगता है कि यह किस मुंडी आदमी का फैसला हो सकता है जिसको कोई काम धाम तो है नहीं, बस नोट बदलवाने का उसको शौक़ है? तो आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।